जमीन से सदा आई होगी, आवाज आई होगी और उसके संदर्भ में उन्होंने निर्णय लिया। नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा कहते रहते हैं एसवी जी कब आप थक गए हैं, बिहार की मौजूदा आवाज उसके सरोकारों को आप समझ नहीं पा रहे। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसको लेकर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा लालू यादव की सुनवाई को लेकर कहा कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जमीनी संदेश मिल गई थी, शायद इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। विशेष क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, आप खुद सुनिए। मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जुडिशियल आर्किटेक्चर का हिस्सा है, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हमारा पक्ष प्रबल है और मैं समझता हूँ कि उसी अनुसार जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो स्वीकार करो। एक सवाल और है, नीतीश कुमार ने कल आखिरी प्रचार के दौरान कहा कि उनका आखिरी प्रचार है और आखिरी मतलब इस चुनाव का आखिरी प्रचार है और ये उनका आखिरी चुनाव है, मायने क्या है इस बयान के? देखिए, मेरा तो सीधे कहना, बाद में उस बयान में स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन कोई भी नेता उसको अगर जमीन के से संदेश आ जाता है, पूरा चुनाव नौकरी पे था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पे था, संविदा कर्मियों की हालत पे था, समान काम समान वेतन के मुद्दे पे था, इन सारे मुद्दों से वो भागते रहे, बल्कि अगर कोई उठाता था तो उसका तिरस्कार की दृष्टि से उसको देखते थे। तो ज़मीन से सदा आई होगी, आवाज़ आई होगी और उसके संदर्भ में उन्होंने निर्णय लिया होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा कहते रहते हैं एसवी जी कब आप थक गए हैं, बिहार की मौजूदा आवाज़ उसके सरोकारों को आप समझ नहीं पा रहे हैं।